तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन पे। अब काम शुरू करेंगे और आज अभी कोई प्लान सेट नहीं किया। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, खतरनाक वाला, तो किसी भी समय पे आ सकती है बारिश। देखो आपको दिखाती हूँ, एकदम ऐसे काले काले से बादल हो रही है, देखो ऐसे। तो बारिश कभी भी आ सकती है और वो पौधे को बहुत ही फ़ायदा करती है। तो चलो ठीक है, और टेरेस पे जाके पौधे हाथ ही नहीं जा रहा, पर प्लांटर्स में, हैंगिंग प्लांटर्स में पानी देख रही थी कि है कि नहीं है। चलो ठीक है, देख लेंगे अभी। और वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। वीडियो बनाते बनाते इधर उधर होती है ना, तो मैं ये काम करती रहती हूँ, पत्ते वत्ते तोड़ती रहती हूँ, कुछ एक चीज़ें दिखती है वो हटा देती हूँ। तो चलो ठीक है, वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा टेरेस गार्डन, और वर्टिकल प्लांटर्स आ गए हैं। मेरे वाले वीडियो में देखना, वर्टिकल गार्डनिंग के लिए मैंने प्लांटर्स मंगा लिए हैं और वो उस एरिया के लिए मंगाए हैं, वहाँ लगाने के लिए। उसको मैंने ट्राई भी नहीं किया यार, नीचे रखे हैं, ला के देखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो होता है छोटा सा टेरेस गार्डन, और अब काम क्या करना है वो भी देखेंगे। और इस तरीके से मैंने ऊपर ऊपर लगा रखे हैं ये हैंगिंग, ये सारे ही हैंगिंग इस तरीके से ऊपर लगे हुए हैं, कुछ एक अंदर लगे हुए हैं, और ये बाहर वाला इस तरीके से रहता है। बाहर वो प्लांट्स है जो धूप में रहने चाहिए, जैसे कि मैं आपको रोज़ ही बताती हूँ। और रोज़ मैं इसलिए बताती हूँ कि जो नए जुड़ते हैं ना, उनको पता रहे। देखो एक और चीज़ दिखी, अभी बताऊँगी अभी आपको, और उसको शिफ्ट करेंगे। और इस तरीके से हो जाता है हमारे ये, इधर ये हमारी कंपोस्ट वगैरह रहती है, और इधर ऐसे, और ये इधर पूरा इस तरीके से। अंदर वाले प्लांट्स हैं हमारे इंडोर, ये देखो अंदर, और ये बाहर वाले प्लांट्स हैं हमारे आउटडोर। तो दिखाते हैं दूर से एक बार, कुछ इस तरीके से दिखता है ये, ऐसा ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो चलो ठीक है, काम करते हैं। और एक मेरे को ना रेन लिली दिखा यार, इसमें मेरे को ना अब रोजेज़ में वो डालनी है फर्टिलाइज़र। ये रेन लिली बहुत सारे उग रहे हैं यार, ये देखो ये सारे ही रेन लिली, ये भी रेन लिली है, ये भी रेन लिली है, वो भी रेन लिली है। देखो इसमें ये बल्ब ग्रो कर रहा है ना, तो एक काम करती हूँ निकाल ही लेती हूँ उनको, टूल लाती हूँ पहले कोई। तो इस तरीके से ये ले आई, एक अंदर नहीं गई ना, अंदर तो मेरे पास प्रॉपर तरीके से टूल वूल रखे हैं, मगर मुझे लगा इसी से निकल जाएगा तो बेस्ट है। इस तरीके से ये पॉटिंग मिक्स में आ जाते हैं यार। और अभी मिट्टी क्या मेरी बिल्कुल गीली हो रखी है ना, इसीलिए मैं ना अंदर हार्ड नहीं डाल रही, क्योंकि इसमें अर्थ फॉर्म वगैरह होता है। अगर ये इस टूल से नहीं निकलेगा यार, एक कॉर्नर वाला निकाल रही हूँ, देखो टूट जाएगा यार। चलो ठीक है, लाते हैं ग्लव्स और प्रॉपर तरीके से टूल लाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये लाने का। तो अब अंदर आ ही गए हैं, तो अब टेरेस गार्डन का एक बार ओवरव्यू अंदर का भी देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे ये हैंगिंग हो जाते हैं, ये हमारा अंदर का हो जाता है, ये हो जाता है, ये हमारे वर्टिकल गार्डनिंग की तैयारी के लिए नेट वगैरह लगवाई हुई है, और वहाँ तो मैंने प्लांटर्स लगा दिए हैं। यहाँ हमारे ये देखो सारे ही तरीके से प्लांट्स हो जाते हैं, इंडोर वाले प्लांट्स, जीजी हुए, सक्यूलेंट्स हुए, इंडोर हुए, मनी प्लांट्स हुए, सारे ही तरीके के प्लांट इस तरीके से हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। जिन उसको वो नहीं चाहिए ना धूप, वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारे प्लांट्स मैंने यहाँ रखती हूँ। और ये देखो ये रबर प्लांट, फर्न अब मैंने सारे ही मेरे बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ ये हैं, वहाँ मैंने हैंगिंग में बाहर लगा दिए हैं, और कुछ एक फर्न है, उस फर्न को भी बाहर निकालेंगे, देखेंगे क्या करते हैं। और बाकी सब इस तरीके से रहता है, ये देखो ऐसे। अब ले आते हैं हमारा वो टूल और काम करना स्टार्ट करते हैं। और तो क्या, बस टूल कहाँ रखे हैं भाई। अच्छा, और यहाँ भी हमारे ये कुछ एक ऐसे रहते हैं, ये देखो इस तरीके से, ये बोनसाई वगैरह, ये सब चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ बनाने की। तो टूल लाते हैं, और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है वहाँ। और कुछ एक कटिंग्स हमारी यहाँ भी रहती है, दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर रह जाता है। ये देखो इस तरीके से कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। और अभी है ना शाम को बहुत मच्छर होते हैं यार टेरेस गार्डन पर, इसलिए मैं अब ना शाम की वीडियोज़ ना छोटी बनाऊँगी। बार बार अगर ये कैमरा हिले ना शेक करता, अभी सोचो मच्छर भगा रही हूँ यार, ऐसे मुंह पे आते हैं, ऐसे आते हैं, बहुत बुरी तरह खाते भी हैं। तो इस तरीके से ये रहता है हमारा गार्डनिंग का काम। और अब मैंने वापस एक नई चीज़ शुरू की है, जो बहुत टाइम से मैंने बंद कर रखी थी। ये देखो इसमें कितने प्यारे फूल खिल रहे, बहुत टाइम से बंद कर रखी थी, वो है क्या मेरा पेंटिंग की वीडियो। बहुत टाइम से नहीं कर रही थी, वो मैंने वापस शुरू की है। अब देखो इस चैनल पे अगर आप उसको पसंद करोगे तो मैं इस चैनल पे ही डालती रहूँगी, और अगर आप नहीं पसंद करोगे, इसमें पानी नहीं है यार एरिका पाम में, इसलिए इसकी पत्तियाँ इस तरीके से सूख रही हैं। एरिका पाम में पानी डाल देती हूँ अभी पहले, मैं इसमें पानी डालने के बाद में दूसरा काम करेंगे। देखो इस तरीके की पत्तियाँ इस तरीके से मुरझा मुरझा गई ना, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। और तो क्या, बस हाँ, तो मैं क्या कह रही थी,
तो वहाँ चलते चलते बात करते हैं। तो दो दो उसका मैं लोड नहीं ले पाऊँगी चैनल का कि अलग अलग चैनल पे बनाऊँ, पहले मेरा इसी पे मैं इस पे अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे ना तो पुरानी वही वाली वीडियोस है। इसको बाहर निकालती हूँ, थोड़ा सा खींच के इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं और फिर अच्छे से रेन लिली के प्लांट्स निकालेंगे। तो सब बोल रहे हैं कि नया वो बना लो यूट्यूब चैनल, मगर यार अकेले काम करना था, हेल्प तो कोई होती नहीं है, कोई करता नहीं है हेल्प। या बच्चे भी बस हाँ मम्मा नया बना लो बोलने से होता है, फिर यार उस पर फिर क्लासेस का लोड, वीडियो बनाने का लोड, गार्डनिंग के काम के लोड, ये सारे रहते हैं। देखो कितना छोटा सा ये, मैं आपको रीज़न बताऊँ, देखो कितना छोटू सा है ये, देखो कितना छोटू सा ये आ क्यों गए हैं, ये ना पॉटिंग मिक्स में आ गए होंगे और फिर ये धीरे धीरे ग्रो कर गए होंगे, इतने छोटे होंगे कि पता ही नहीं चला हुआ है। तो इस तरीके से मैं सारे रेन लिली के बल्ब निकाल रही हूँ इसमें से, क्योंकि रेन लिली के बल्ब का सीज़न है अभी, अच्छे से ग्रो करते हैं। तो और एक और, अरे भैया बहुत अंदर तक घुसा, इसको खींच नहीं सकते यार, खींचेंगे ना तो ये निकल जाएगा। अब बहुत अंदर है तो ठीक है, इस तरीके से मैं सारे बल्ब निकाल लेती हूँ उस टूल की सहायता से, फिर आपसे मिलते हैं और दूसरे काम करेंगे फिर इसके आगे। तो ये देखो एक और निकल गया है रेन लिली का बल्ब, ये ना छोटे वाले बल्ब हैं ये, या तो येलो वाले होंगे या तो ये वाइट वाले होंगे, अरे मच्छर फिर आया, या तो ये वाइट वाले होंगे और छोटे वाले ही इधर उधर जाते हैं, क्योंकि बड़े तो क्या हमको दिखते रहते हैं। एक बल्ब मैंने और बाहर निकाल रखा है, अब इसमें ये मल्टीप्लाई होते रह रहे हैं, ये धीरे 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 करके इसमें मल्टीप्लाई होते रह रहे हैं और धीरे धीरे ये ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ अब इसको निकालने का टाइम आ गया। एक और प्लांटर में है वो भी निकाल लूँगी मैं लगे हाथ और इनको फिर ग्रो भी कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से एक बल्ब ये रहा और आ गया ऐसे, ये थोड़ा सा मोटे साइज़ का, ये देखो। तो चलो ठीक है, सारे ही बल्ब आप दो तीन बल्ब और है वो निकाल लें फिर आपसे मिलते हैं। एक यहाँ भी है, देखो कितने बल्ब निकल गए, एक दो तीन चार, और मैं स्टूल को बिल्कुल भी काम में नहीं ले रही हूँ बिल्कुल भी, ये साइड में ही रखा है क्योंकि फिर है ना ये बहुत छोटे छोटे से बल्ब है, अगर थोड़ा सा भी इस पर क्रैक आया ना तो बल्ब ख़राब हो जाएंगे, बल्ब ख़राब नहीं होने चाहिए। बाकी बस इसकी ग्रासेस वगैरह टूट जाए, ऊपर की ग्रीन ग्रीन पार्ट टूट जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बस अगर बल्ब को थोड़ा भी डैमेज हुआ तो वो ग्रो नहीं करता। और ये बहुत छोटा बल्ब है, एक तो इसमें देखो इसको और इधर घुमाती है, इसमें तो देखो येलो बर्ड भी आ रहा है, देखो आपको दिख रहा है इस तरीके से, और ये उग रहे हैं बीच में। और ये सही बात है, ये येलो वाले और ये वाइट वाले क्या छोटे ही होते हैं, इनके बल्ब ज़्यादा बड़े नहीं होते। इसको थोड़ी दिक्कत होगी है ना, इसके साथ ही होगा हुआ है मेरे पौधे के साथ ही। और ये क्या अभी नहीं निकालूंगी ना, तो ये धीरे 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 क्या मल्टीप्लाई होते रहेंगे और नुकसान फिर दोनों प्लांट्स को होगा मेरे, इसको भी होगा और उसको भी होगा, मतलब ये जो मेरा गुलाब का पौधा है ना उसको भी होगा, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। ये तो इसके बिल्कुल जड़ के साथ ही लगा हुआ है यार, निकालते हैं वीडियो बंद करके निकालते हैं भाई। तो देखो एट लास्ट ये वाला बल्ब भी निकलेगा, ये थोड़ा सा मोटा था इसीलिए निकलने में दिक्कत आ रही थी इसमें, और ये ना मेन प्लांट के बिल्कुल चिपक के भी था यहाँ, बिल्कुल चिपक के, और इसमें मुझे टूल का काम लेना ही पड़ा, थोड़ी सी मिट्टी लूज़ करनी पड़ी नीचे से फिर निकला। चलो ठीक है, अब इसकी मिट्टी को कर देते हैं सही वापस से, और अब मुझे ना गुलाब में वो डालना है यार, कंपोस्ट डालना है, अब डालने की ज़रूरत आ गई क्योंकि अब इसका सीज़न आ चुका है और विंटर भी इसका सीज़न होता है। तो अब इसकी गुलाब की केयर करनी है, कैसे करनी है वो वीडियो भी डालनी है यार, संडे को मेरी छुट्टी है ना, संडे को कुछ काम नहीं रखा ना, संडे को करते हैं सारा काम। चलो ठीक है, इसको अंदर वापस शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो इस बटन रोज में उगे हुए थे, इसमें नीचे अच्छे से इसमें हो चुकी है डिगिंग हमारी, और ये सारे मैंने निकाल दिए हैं, और देखो इसमें छोटे 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 से बटन रोज भी उग रहे हैं। चलो ठीक है, अब ये निकाल दिए हैं, एक और प्लांटर में है वो और निकाल लेती हूँ यार। तो देखो इसकी बल्ब मैंने यहाँ ला के रख लिए हैं, और एक और बल्ब मेरे पास पड़ा हुआ था, ये देखो कहाँ है वो, ये रहा इतने दिनों से, वो भी मैंने यहाँ ला के रख लिया है। अब रेन लिली के लिए है कि इसको ज़्यादा है ना हैवी प्लांटर की ज़रूरत नहीं है, आप भी सोच रहे हो कि क्या करने लगी मैं, इसको करूँ या रेन लिली लगाऊँ, समझ में नहीं आ रहा यार, इसका छोड़ दिया फिर बारिश आ गई तो दिक्कत रहेगी, काम करती हूँ उसको भी रहने देती हूँ पहले है ना, ये रेन लिली का काम कर देती हूँ, नहीं तो रह गया ना फिर दिक्कत होगी इसकी। तो देखो इस तरीके से छोटे से प्लांटर में मेरा पॉटिंग मिक्स पहले से भरा हुआ था, ये देखो ये पॉटिंग मिक्स मैंने कैसे तैयार किया था, इसकी वीडियो शेयर की थी, इसमें ना मैंने वो भी डाला था अनियन पील का, बहुत सारे अनियन पील के ऐसे ही सूखे छिलके डाल दिए थे, और क्या था याद भी नहीं है यार। इसमें अब रिवर सेंड है, गार्डन सॉइल है, और किचन वेस्ट है, ये सब है इसमें। तो इसमें इस तरीके से इसको मैं डाल देती हूँ, और ये और इसके लिए ज़्यादा बड़े उसकी ज़रूरत भी नहीं है, किसकी प्लांटर्स की ज़रूरत नहीं होती है, और बल्ब हमेशा ना थोड़े से हाइट पे ग्रो किए रहते हैं, मतलब ऊपर ऊपर। तो एक बार ये लगा देती हूँ ऐसे, और बाद में इसको ना, अभी तो प्लांटर आपको गंदा दिख रहा है ऊपर से, बाद में इसको क्लीन करके अच्छे से फिर
इसमें जो भी हैंगिंग स्ट्रिप्स आएंगे ना उसको लगा के इसको हैंग करेंगे। तो रेन लिली आप लगा सकते हैं इजीली हैंगिंग प्लांटर्स में भी। ये देखो इसमें इस तरीके से ये पार्ट है ना, यहाँ यहाँ हैंग हो जाएगा। इसको क्लीन करके भी, इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, एकदम ब्लैक हो जाएगा। और धोने के बाद में जब ये ग्रो करने लगेगा और मेरी जब स्ट्रिप्स आ जाएंगे तो उसको हैंगिंग कर देंगे, बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से आप रेन लिली कहीं से भी लाओ। और होता यह है कि पॉटिंग मिक्स में क्या बोलते हैं, पॉटिंग मिक्स में इसके बल्ब आ जाते हैं और ये ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं। बड़े वाले तो हमको क्या पॉटिंग मिक्स में दिख जाते हैं, मगर ये छोटे वाले जो होते हैं ना, ये देसी वाले हैं, ये हाइब्रिड वाले नहीं हैं, देसी वाले ही हैं। छोटे छोटे से हैं, येल्लो, और अभी तक मेरे खिले हैं येल्लो। पिंक वाले जो बड़े वाले होते हैं उसके तो बल्ब ही बड़े होते हैं, वो तो दिख जाते हैं, मगर ये छोटे छोटे होने के कारण क्या दिखाई नहीं देते, पॉटिंग मिक्स में आ जाते हैं। और बेनिफिट ये भी रहता है कि पॉटिंग मिक्स में आने के बाद इजीली निकल भी जाते हैं। अगर बड़े होते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो भी करते हैं। तो इस तरीके से सारे मेरी लिली लगा देती हूँ। इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। और मिट्टी तो आप देख ही रहे हो कि बारिश के कारण कितनी हो रखी है ये गीली। तो बस इस तरीके से आप रेन लिली लगा सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे और भी बहुत सारे रेन लिली है, दिखाई थी इससे पहले मैंने सारे वीडियोज़ में आपको मेरे रेन लिली दिखाई, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखो इस तरीके से ऐसे ये भर दिया मैंने इसको सारा इस तरीके से। और इसके लिए इससे भी छोटा प्लांटर होना तो भी चलेगा, ज़्यादा बड़े प्लांटर की रेन लिली के लिए ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे पहले मुझे पता नहीं था ना, अब इसको ऐसे ही रहने दो या इसको काट दो, एक काम करती हूँ ऊपर से है ना ये कट कर देती हूँ ऐसे, और फिर थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स और भर देते हैं ऊपर थोड़ा सा। तो पॉटिंग मिक्स हमारा ये तैयार है। ये देखो बकेट में भर के गई थी ना, उसको यूज़ में नहीं लिया। और देखो ये मेरे पॉन्सेटिया का प्लांट, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये उस दिन जो मैं मुसंडा कर रही थी ना, मुसंडा नहीं है तो पॉन्सेटिया, मगर अभी भी ग्रो करने लगा। इसकी कटिंग ग्रो करते हैं नहीं करते हैं वो आई डोंट नो, मैं इसकी कटिंग भी लगाई है। देखो यहाँ इसकी कटिंग, पॉन्सेटिया की कटिंग तो लगाई है, वो ग्रो करेगी नहीं करेगी उसको छोड़ दिया है। वो तो मैंने इसे जस्ट अब देखूँगी यूट्यूब पर सर्च करके पॉन्सेटिया की कटिंग लग जाती है कि नहीं लगती है, बस अभी तो इसकी रिवर्स हैंड ले रहे हैं। और मैंने ये नोटिस किया इसके, ये जो अभी दिखाती हूँ, अभी आपको सब बताती हूँ। ये देखो इस तरीके से मैंने लगा लिया है ये हमारा लील लीली का प्लांट, और इसमें पानी नहीं दूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा हो रखी है लीली। बस इस तरीके से आप लीली लगा सकते हो। और कटर कहाँ है हमारा, एक बार कटर लाती हूँ। और फिर ये ऊपर से इसकी एक्स्ट्रा ये काट दो, ये देखो इस तरीके से। और इसमें अभी से हो जाएगी मतलब ब्लूमिंग, थोड़े से दिनों में आप देखना ग्रीन ग्रीन ग्रासेस आएगी और ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले जितने भी मैंने रेन लिली लगाए ना, और पूरा ही सीज़न बारिश रही तो ये पूरे ही सीज़न इनमें रेन लिली आते रहे और उग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट सीज़न में उगेंगे क्या उगेंगे, ये सब आपके साथ मैं रिव्यू शेयर करती रहूँगी। इसको वॉश भी कल करेंगे, नहीं तो इसमें क्या पानी वानी आ जाएगा, इसलिए गीला कपड़ा वपड़ा हुआ ना उसी से साफ़ करेंगे, नहीं तो इसमें फिर और ज़्यादा पानी चला जाएगा तो ख़राब हो जाएंगे। इतने भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है नहीं इनको, और इतना छोटा सा ये नर्सरी का जो प्लांटर होता है ना वो काफ़ी है इनके लिए। तो चलो ठीक है, इसे रख देते हैं बाहर ही कहीं रख देते हैं। तो देखो जब मैं रेन लिली का ये पौधा ये रखने जा रही थी ना, तो मुझे एक और दिख गया रेन लिली, जो कि मैंने इसमें उगाया था। ये देखो, और आपके साथ मैं शेयर भी किया था, ये सिकोरे में उगाया था। इसको भी निकाल लेते हैं, अब ये बड़ा हो गया है। इसका जब सीज़न नहीं था पता नहीं, बहुत टाइम पहले मैंने इसको ग्रो किया था, उसमें क्या ड्रेनेज होल नहीं है। तो इसका भी रेन लिली का बल्ब निकाल लेते हैं पहले इस तरह से ऐसे, और फिर इसी में लगा देंगे। ये देखो इसको भी काफ़ी टाइम हो गया यार इस प्लांटर में। देखो ये तो बेचारा रूट बाउंड भी होने लगा है, देखो चक्रियाँ घूमने लग गई। इस तरीके से अगर ये गोल गोल घूमे ना तो ये रूट बाउंड हो जाता है। ये देखो, और इस छोटे से इसमें उगा रखा था नहीं ले ली कब से, तो अब ये भी दिख गया है। इसके ऊपर की पहले कट कर देते हैं फिर इसमें लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये देखो, ये हेल्दी बल्ब है, थोड़ा सा अच्छा मोटा बल्ब, इससे ज़्यादा मोटे नहीं होते ये। अब इसको एक काम करती हूँ, इसकी रूट्स भी नीचे से कट कर देते हैं। इसकी रूट्स आप आसानी से नीचे से कट कर सकते हो ऐसे, एक तरीके से ये है कि प्रून कर सकते हो, अच्छे से प्रून कर दो, छोटी छोटी कर दो। ये देखो इस तरीके से ये कट कर दी, और फिर ग्रो कर लो ऐसे, कुछ नहीं होता है बल्ब को, मतलब अच्छे से ग्रो करता रहता है फिर भी। तो इस तरीके से ये हमने कर दिया है, ऐसे लगा दिया है, बस ठीक है, अब इसे रखते हैं। तो देखो ये मैंने डीआईवाई प्लांटर में रेन लिली लगाए थे थोड़े से दिनों पहले। ये देखो ये ऑयल कंटेनर है, हाफ हाफ काट के इसमें लगा दिए थे। देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और उसमें ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई, एक बार की तो हो गई थी। और यहाँ तो कोई जगह नहीं है इसको रखने की, अब इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इसको बारिश का पानी भी अच्छे से लगे। एक काम करते हैं, यहाँ बीच में रख जाती हूँ उसको ऐसे यहाँ, और जब ये अच्छे से ग्रो करने लगेगा ना तब इसे बाहर निकाल देंगे। अभी इसको यहाँ रख जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ बारिश का पानी भी अच्छे से लगेगा और मतलब अच्छे से ग्रो करेगा। अब चलते हैं दूसरे काम पे। तो देखो अब लेते हैं नंबर स्पॉन्सिटिया प्लांट का। ये देखो इसकी लीफ है ना हल्की से एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, पहले एकदम हो गई थी, मगर ये जो नई आ रही है ना
एकदम ऐसे एक्टिव हो रखी है, तो मेरे को लगा अब इसको भी कहीं लगा देती हूँ। अब इसको लगाते हैं इसमें, इस वाले इसमें। खैर इसको बड़े में लगाना चाहिए मगर अभी इसमें ही लगा रही हूँ। ये कौन सा प्लांटर है मेरा, क्या लगाया था इसमें, कुछ तो था, क्या था यार याद नहीं आ रहा। ये रेड सॉइल में लगा हुआ था, क्या था यार याद बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे ये क्या था। चलो कोई ना, इसकी मिट्टी को कहीं भरते हैं। पहले इसके ड्रेनेज होल पैक करने पड़ेंगे पहले। तो देखो इस प्लांटर के नीचे मैंने इस तरीके से रख दी है कंकरी, ये जो मिल जाती है ना इजीली, देखो इस तरीके से सब जगह ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इस तरीके से इसके सारे ड्रेनेज होल को मैंने भर दिया। नर्सरी का प्लांटर है, इसमें ड्रेनेज होल बहुत सारे हैं। तो ये हो गया हमारा प्लांटर तैयार। और इस एक और ये भी रखा था, तो उसमें क्या रखा मैंने, उल्टा एक लिड लगा दी किसी उसके ढक्कन की, और इसमें मेरा ये रेड सॉइल भर देती हूँ, क्योंकि रेड सॉइल सिर्फ काम में नहीं लेना चाहिए, इसके अंदर भी और सारा कंपोस्ट वगैरह मिला के एक बार इसको भी तैयार करेंगे। तो उसको भी कहीं भर देते हैं, अगर बारिश आ गई तेज तो सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इसको ऊपर से फिर मैं ढक के भी जाऊँगी, ढकने के लिए वो वाली चीज़ें काम में लेती हूँ मैं रेनी सीजन में, जो हम गर्मियों में नीचे प्लेट्स वगैरह नहीं लगाते वो वाली। तो इस तरीके से ये काम कर ले, फिर इसको लगाते हैं पॉन्सेटिया प्लांट को लगाने की एक और कोशिश। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं बताऊंगी, मगर आपको नहीं बताऊंगी तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। ये वही पॉन्सेटिया प्लांट है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, 99% ख़त्म, मगर इसको मैंने पूरा कोशिश की है बचाने की। इसकी कटिंग भी लगाई है, कटिंग चल जाए तो बढ़िया है, और नहीं तो प्लांट तो एटलीस्ट बच ही जाए। कटिंग का भी रिव्यू आपको देती रहूँगी। देखो ये कटिंग सारी इसमें लगा रखी है, 5-6 कटिंग्स है। ये पॉन्सेटिया प्लांट की कटिंग है, और ये पॉन्सेटिया प्लांट हमारा मदर प्लांट है मेन। चलो ठीक है, ये हमारी मिट्टी पूरी भर दी है इसमें, अब इसको ढक देती हूँ। तो बस इस तरीके से इसका लिड ला रही थी, तो उसके ऊपर मेरा किचन वेस्ट था, तो किचन वेस्ट को मैं कैसे यूज़ में लेती हूँ वो आपको बताती हूँ। ये देखो इस तरीके से ये मिट्टी है ना, ये इसमें डाल देते पहले आधा, इसको हम भर देंगे पूरा मिट्टी से, आधा आधा पार्ट देखो। और ये मिट्टी मेरी अभी मैंने परसों तरसों तैयार की थी, पॉटिंग मिक्स कैसे क्या तैयार करते हैं उस पर आप जाके देख लेना। ये देखो इस तरीके से हमेशा मैं अलग अलग तरीके से पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। इसमें काउडन केक जाता है इस वाले पॉटिंग मिक्स में। ये हो गया, अब इसमें हमारा सारा ही डाल देते हैं ये किचन वेस्ट, और उसके लिड से ढक देते हैं इसको अंदर। ये रेड सॉइल का भी मुझे, क्योंकि इसमें सिर्फ रेड सॉइल है तो उसको मैं यूज़ में नहीं लूँगी, इसको कैसे यूज़ में लेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सारा किचन वेस्ट की लेयर मैंने बीच में लगा दी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं प्लांट। मच्छर खा रहा है यार, जैसे जैसे टाइम होने लगता है ना मच्छर बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। ये देखो इस तरीके से ये सारी मैंने निकाल दिया मेरा प्लांट, और चल जाएगा यार मुझे पता है ये प्लांट मेरा अच्छे से चलेगा, देखना। ये हो गया, अब इसमें अगेन हम डाल देते हैं ये, हाय रे इसमें अर्थफॉर्म। जैसे कि मैं बोलती हूँ अर्थफॉर्म ज़रूरी है, होने भी चाहिए। और अब ये है ना पॉन्सेटिया प्लांट है ना, डोरमेंसी में जाएगा, मतलब नहीं मतलब सर्दी इसका सीज़न आने वाला है, जब सर्दी में आएगा ना तो उससे पहले हम इसके लिए तैयारी कर लेते हैं, बाद में इसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट करेंगे। मगर अभी इसको उसमें इसकी रूट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं कट कर रही, क्योंकि फिर ये ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करता है। ये देखो इस तरीके से इसको बीच में स्टैंड कर रही हूँ ऐसे, और फिर इसमें मिट्टी भरेंगे। मोबाइल रखना पड़ेगा यार। तो बस अब इस तरीके से एक बार इसको स्टैंड कर दिया, और फिर अब इसमें भर रही हूँ मैं अच्छे से पॉटिंग मिक्स। और जब विंटर में भी इसको नेक्स्ट विंटर में मैं रिपोर्ट करूँगी, इस विंटर में भी नहीं करूँगी, नहीं तो बार बार हम पॉट को ये प्लांटर को ये करते हैं ना क्या बोलते हैं वो छेड़खानी करते हैं ना प्लांटर को, क्या प्लांट को, तो वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाता। तो इस सीज़न तो इसको इसी में रहने दूंगी, फिर नेक्स्ट सीज़न इसको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा ग्रोथ करता है। इसको मैंने बड़े प्लांटर में इसलिए शिफ्ट में नहीं किया कि वैसे ही स्ट्रेस में इसको बड़ा प्लांटर दे देंगे तो उसको बड़ा प्लांटर, इट मीन्स ज़्यादा पानी, ज़्यादा कंपोस्ट, ज़्यादा मिट्टी, उससे ये ओवर फर्टिलाइज़र हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट नहीं कर रही हूँ इस विंटर के लिए, तो इसके लिए एकदम सफिशिएंट है। और नेक्स्ट विंटर में देखेंगे फिर क्या करना चाहिए। तो चलो ठीक है, और इसको अभी बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे, पानी है जैसे कि आपको दिख रहा है ना, मिट्टी बिल्कुल गीली है देखो इस तरीके से। तो इस कंडीशन में आप अगर पौधा रिपोर्ट करते ना तो बिल्कुल भी पानी नहीं दो। तो बस ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है ऐसे। और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ देखो इस तरह से, और कहीं रखते हैं। तो देखो उसकी मैं जगह चेंज कर रही हूँ, इसको थोड़ी बहुत है ना, अब है ना इस सीज़न में थोड़ी सी धूप भी मिलनी चाहिए हल्की फुल्की सी, और ये सीज़न अच्छा है, अच्छे से ग्रो करेगा। इतनी तेज़ धूप भी नहीं आती है और पूरे दिन भर धूप रहती भी नहीं, तो इन प्लांटर इसके साथ में यहाँ रख देती हूँ यहाँ बीच में ऐसे।
तरीके से मैंने रख दिया यहाँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक रहा था वो अंदर। तो ये प्लांट है ना काफ़ी टाइम तक इस तरीके से ऐसी बंदी जगह पर रहा था, तो उसका भी स्ट्रेस हो सकता है इसको, इसलिए मैंने सोचा रेनी सीजन में इसको बाहर निकाल देते हैं। वहाँ रखा रहा था बहुत टाइम तक, तो इसलिए मैंने सोचा रेनी सीजन में इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाए। और जैसे ही मुझे लगेगा ये ग्रोथ करने लग गया है और तो फिर मैं इसको वापस से इसके मतलब यह शेड में ले आऊँगी और यहाँ कहीं ला के इसको रख देंगे। तो देखो ये सिंगोनियम प्लांट का भी मैं कुछ नहीं कर रही, इसको भी जस्ट यहीं ऐसे ही रख के जा रही हूँ। इसको है ना देखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा बड़े प्लांटर की ज़रूरत होगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है, ऐसे छोटे में नहीं चलेगा। देखो कितना बड़ा हो चुका है, कितना बड़ा, तो इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही, इसको इसी में रहने देते हैं। अब मेरे पास क्या है, ये छोटे छोटे से प्लांटर्स थे, ये देखो इस तरीके से, ये भी मैंने खाली किया वो, और एक ये पहले का बना हुआ, तो इसमें कुछ कुछ ग्रो कर रखा होगा मैंने, तो इसमें मैंने सोचा कुछ कुछ ग्रो और कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास खाली हो चुके हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा भर देते हैं रिवर्स एंड पहले, और ये देखो, और वीडियो में बताऊंगी कि छोटे ये वाला रिवर्स एंड भर देते हैं, और इसको मैं ढक के रहूँगी क्योंकि उस बकेट में क्या होल नहीं है, और इसमें वो वाले प्लांट्स लगाते हैं जो सीज़न में इजीली ग्रो कर जाएंगे। ये देखो इस तरीके से इसको भर लेते हैं, और फिर ये भी बता दूंगी कि इतने छोटे छोटे से प्लांटर्स में इतने इतने से हैं, ये कौन कौन से प्लांट आप इजीली लगा सकते हैं या किसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिट्टी से भर दिया है, इसको थोड़ा सा और भर देते हैं ऐसे। इसमें होल नहीं है, इसमें एक अच्छा सा क्रैक है तो पानी ऑटोमेटिक लीक हो जाता है, और इसमें काफ़ी होल है, ये देखो इसके नीचे मैंने होल किए हुए हैं। तो चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, अब यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं फिर कटिंग लगाते हैं, पहले सारी मिट्टी विट्टी भर दें यहाँ की। तो देखो वहाँ की मैं जब सफाई करी थी तो मुझे एक और ये मेरा डीआईवाई दही का प्लांटर मिल गया, देखो इस तरीके से, इसमें भी कुछ लगा लेंगे। इसमें मैंने पोल्का डॉट बनाई थी ब्लैक कलर से, और ये तो है ही हमारा, और ये भी एक है जिसमें मैंने क्ले का थोड़ा कुछ किया था, और इसके नीचे मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनाई थी। अब ये बहुत छोटे छोटे से हैं, इसमें क्या ग्रो करते हैं वो आपको बताते हैं पहले। तो देखो इसमें मैं लगाऊंगी डेविल बैकबोन की कटिंग, और ये भी बहुत ईजीली, इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हो आप, मगर इसको मैं सोच रही हूँ इसी में लगाएं, और जब ये ग्रो कर जाएगा ना तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये भी छोटे से छोटे प्लांटर में ईजिली ग्रो कर जाता है, ये देखो डेविल बैकबोन, इसको लगाते हैं। और जो इस तरीके से ये होता है ना जिसमें व्हाइट कलर का सैप निकलता है, इसको डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इसको इसमें लगाती हूँ, होल करती हूँ, और इसकी कटिंग लगा देते हैं। और ये छोटे प्लांटर भी बहुत प्यारा लगता है, सुंदर दिखता है, इसलिए मैं इसको इसमें लगा रही हूँ। और जब कटिंग ग्रो कर जाएगी, अच्छा हो जाएगा, तब इसे दूसरे उसमें शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से आप है ना, बस मेरे को यहाँ दिक्कत हो रहा थी, जब मैं वीडियो बनाती हूँ और प्लांट ऐसे बीच मिट्टी में स्टेबल करती हूँ ना, लगाने की कोशिश करती हूँ, तब जाके वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। और ये पता है डेविल बैकबोन की कटिंग है ना ऐसे मुरझाती नहीं है, जैसे दूसरी कटिंग मुरझा जाती है ना, लैगी सी हो जाती हैं, लटक जाती हैं एक दो दिन बाद, ये वैसी नहीं होती है। तो देखो एक तो हमने लगाई है डेविल बैकबोन की कटिंग, कितनी क्यूट लग रही है, देखो ये देखो इस तरह का सही है। और इस तरीके से आप है ना किसी को गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हो, अभी तो मेरा पुराना हो गया ये सारा, इस तरीके से आप इसको कटिंग को देख के गिफ्ट में भी दे सकते हो। और देखो अब मैं लगा रही हूँ, इसमें है एक ये डेविल बैकबोन ग्रीन वाला, ये देखो इसको भी इसमें हाइट वाले में लगाएंगे जिससे अच्छे से स्टैंड कर जाए। अरे ये तो टूट ही गया भाई, तो देखो ये तो इसमें क्रैक आ रखा था, तो ये तो टूट गया है, इसको रख लेते हैं अभी साइड में, अभी अंधेरा हो रहा है, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको तो मैंने साइड में रख दिया। अरे तो देखो एक डेविल बैकबोन हमारा ये शेडेड है, ये दिख रहा है आपको, विंटर में ना इसकी पिंक पिंक हो जाता है, जैसे कब आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, विंटर में पूरा पिंक पिंक हो जाता है इसकी पत्तियाँ। और अभी ये है मेरे पास में ये ग्रीन वाला, ये देखो सेम ऐसा ही है, ये है ग्रीन वाला। अब एक प्लांट तो हमारे पास टूट चुका है, तो मैं सोच रही हूँ इसको इसी में ग्रो कर देती हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से बस स्टैंड कर देना है और ये लग जाएगा अच्छे से। इनकी कटिंग भी बहुत ईजीली ग्रो हो जाती है, देखो इस तरीके से मैं इसको ऐसे दबा देती हूँ, बस मतलब ये अच्छे से फिक्स होनी चाहिए इसकी जड़ें, ये इसमें अच्छे से ऐसे फिक्स हो जानी चाहिए, तो देने पड़ेंगे। तो देखो इस तरीके से ये डेविल बैकबोन की ग्रीन डार्क मतलब ये वाली और ये वाली दोनों कटिंग लगा दी। अब ये वाला प्लांटर हमारे खाली है, इसमें कुछ ग्रो करते हैं, लाते हैं कुछ कटिंग्स। तो देखो इस तरीके से बारिश वारिश होने स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैं नीचे आ गई और इसका मतलब वो भी रहने दिया, फटाफट से मैंने वीडियो बनाई और फिर हम चलते हैं नीचे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बेबी सनरोज लगाया मैंने इस वाले में,